खुदा के रसूल लाए हैं। मैं चार मिसरे अलिया ने हैदराबाद के हवाले से पेश करता हूं। मुलाहजा फरमाए, नबी के इश्क का सागर अता कर, मुकम्मल दीन का पैकर अता कर। आप आमीन कह सकते हैं। नबी के इश्क का सागर अता कर, मुकम्मल दीन का पैकर अता कर। भटकती जा रही है फिर ये दुनिया, उमर फारूक सा रहबर अता कर। वाह, उमर फारूक सा रहबर अता कर। क्या बात, उमर फारूक सा रहबर अता कर। वो आए तो कुफ्र जहां से दूर हुआ जी, वो आए तो कुफ्र जहां से दूर हुआ। वो आए तो कुफ्र जहां से दूर हुआ, जंगल जंगल बस्ती बस्ती नूर हुआ। वाह वाह वाह, जंगल जंगल बस्ती बस्ती नूर हुआ। वाह वाह, वो आए तो कुफ्र जहां से दूर हुआ। बहुत खूब, बहुत शेर तारीख के हवाले से पढ़ता हूं। मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, तमाम दुनिया तक पहुंचाता हूं। मुलाहजा फरमाइए जी। आपसे मिलकर आपका जानी दुश्मन भी, क्या बात है, आपसे मिलकर आपका जानी दुश्मन भी, आपसे मिलकर आपका जानी दुश्मन भी, सीने से लग जाने को मजबूर हुआ। वाह वाह वाह, सीने से लग जाने को मजबूर हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आए तो कुफ्र जहां से दूर हुआ। वाह दोस्तों, आप जानते हैं आजकल 2020 का जमाना है। वो बहुत पहले टेस्ट मैच होता था, उसका रिवाज खत्म हो गया, लिहाजा मैं भी उसी रविश पे कुछ चल रहा हूँ। बहरहाल कुछ अच्छे शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। जहां मेरा वक्त हो जाए सलीम साहब मुझे बता दें, मैं कुछ और शेर पढ़ता हूँ। कुछ शेर और सुना दें, मतलब लिहाजा फरमाए बतौर खास। जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है, देखो उनके बिस्तर को वाह
सिर्फ एक चटाई है सुभान अल्लाह जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। बतौर खास शेर इन चैनलों के जरिए मोहतरम बैरिस्टर साहब के हवाले से, दारुसलाम के हवाले से, अहलियान हैदराबाद के हवाले से तमाम दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। आपकी दुआओं का तालिब मुलाजा फरमाए जी, अता फरमाए। जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, चांद पर पहुंच कर तुम क्यों गुरूर करते हो, चांद पर पहुंच कर तुम क्यों गुरूर करते हो, चांद पर पहुंच कर तुम क्यों गुरूर करते हो, आमना के बेटे की अर्श तक रसा, वाह वाह वाह, आमना के बेटे की चांद पर पहुंच कर तुम क्यों गुरूर करते हो, आमना के बेटे की अर्श तक रसाई है। जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, वाह वाह, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, उनके लाए मजहब पर उंगलियां उठाते हो, उनके लाए मजहब पर उंगलियां उठाते हो, जिनके लाए मजहब में हश्र तक भलाई है, जिनके लाए मजहब में हश्र तक भलाई है, अर्श तक फरिश्ते भी झूम उठे हैं ए वारिस, सुभान अल्लाह, अर्श तक फरिश्ते भी झूम उठे हैं ए वारिस, नाते मुस्तफा मैंने जब भी गुनगुनाई है, नाते मुस्तफा मैंने जब भी गुनगुनाई है। जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस वारसी साहब। सिर्फ चार मिसरे फिर मोहतरम अवैसी साहब के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तमीदी गुफ्तगू आपके बारे में करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते हैं सब, लिहाजा ये जज्बात हर शायर ने अपने पेश किए जी, समझिए कि मेरे भी ये दिली जज्बात हैं। दारुसलाम के हवाले से मैं तमाम दुनिया तक ये पहुँचाना चाहता हूँ। मुलाजा अमनो इखलास को आईना बना कर देखो, वाह, आपकी शिरकत चाहता हूं। मुलाजा फरमाए अमनो इखलास को आईना बना कर देखो, मेरे असलाफ की तारीख उठा कर देखो,
मेरे असलाफ की तारीख उठा कर देखो, तुमको आ जाएगा सरकार चलाने का शऊर, अहद फारूक का कानून चला कर देखो, अहद फारूक का कानून चला कर देखो। बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वारिस वारसी साहब, अपने असरंगेज कलाम से आपको महजूज फरमा रहे थे। अब आइए, मेरी फेरिस्त में सिर्फ तीन शायर हैं, मैं चाहता हूँ अंजुम बुरहानी साहब पहले आ जाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। महबूब नगर की नुमाइंदगी, महबूब नगर के आपके हरदे लजीज शायर अंजुम बुरहानी अल मारूफ चचा पालमुरी तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरम सामई, चाहे कोई भी मुझे रोके या रोकने की कोशिश करे, मैं पूरे पांच शेर पढ़कर रहूंगा। अरे वाह 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 चचा, बहुत बहुत शुक्रिया, तजीब रखें अपनी अपनी नशिस्तों पर, इसी तरह जिस तरह आप बैठे थे बैठे मतलब रहे। क्या है? इसके बाद फारूक शकील साहब हैं, जमील खैराबादी साहब हैं। आरज़ू है जीतने की, आरज़ू है जीतने की, और न खदशा हार का, आरज़ू है जीतने की और न खदशा हार का, जिंदगी की जंग में जब साथ है सरकार का, जिंदगी की जंग में जब साथ है सरकार का, जिंदगी की जंग में। सुभान अल्लाह चचा, वाह वाह वाह। हश्र के दिन फिक्र इसियां, हश्र के दिन क्या कहा फिर पढ़े? जी जी मुकर्रम। आरज़ू है जीतने की, आरज़ू है जीतने की, और न खदशा हार का, जिंदगी की जंग में जब साथ है सरकार का, जिंदगी की जंग में। हश्र के दिन फिक्र इसियां, हश्र के दिन फिक्र इसियां, और न खटका नार का, हश्र के दिन फिक्र इसियां, और न खटका नार का, जो भी हूँ जैसा भी हूँ, हूँ उम्मती सरकार का, जो भी हूँ जैसा भी हूँ, हूँ उम्मती सरकार का, गिड़गिड़ाता जा यूं ही, गिड़गिड़ाता जा यूं ही, रोजे की जाली थाम कर, गिड़गिड़ाता जा यूं ही, रोजे की जाली थाम कर, मिल न जाए जब तलक सदखा तुझे दीदार का, मिल न जाए जब तलक सदखा तुझे दीदार का, लैलतुल मेराज से, लैलतुल मेराज से हम सब पे रोशन हो गया, लैलतुल मेराज से हम सब पे रोशन हो गया, किसको अंदाजा था पहले नूर की रफ्तार का, किसको अंदाजा था पहले। मख्तार्स क्या है? इरशाद। नेकियां अगर कम पड़े, नेकियां अगर कम पड़े, अंजुम की बख्शिश के लिए, नेकियां अगर कम पड़े, अंजुम की बख्शिश के लिए, कुछ शुमारा खा करेंगे
नातिया शियार का कुछ शुमार आखा करेंगे। सुभान अल्लाह, इख्तिसार और जामईयत। मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, कभी खतरा कभी पूरा समंदर बांट देता है। मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर जमीनों आसमां का सारा लंगर बांट देता है, जमीनों आसमां का सारा लंगर बांट देता है। अंजू मुरहानी साहब ने बड़े इख्तिसार से काम लिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद डॉक्टर फारूक शकील साहब हैं, फिर जमील खैराबादी साहब हैं, मैं हमारे हैदराबाद के बहुत ही मोहतरम और मोतबर शायर, मुफ्तखर शायर, मखदूम अवार्ड याफ्ता शायर जनाब डॉक्टर फारूक शकील साहब से मुल्तमिस हूँ कि आएँ और अपने कलाम से नवाजें। मतला पेशे खिदमत है इरशाद। जब ज़बां वक़्फ़ ज़िक्र नबी हो गई, जब ज़बां वक़्फ़ ज़िक्र नबी हो गई, जिस्म जाने मेरे रोशनी हो गई, जब ज़ुबां वक़्फ़ ज़िक्र नबी हो गई, वास्ता उनका दे कर जो मांगी दुआ, वाह, वास्ता उनका दे कर जो मांगी दुआ, जिंदगी मुश्किलों से बरी हो गई, वास्ता उनका देकर जो मांगी दुआ, जिंदगी मुश्किलों से बरी हो गई, आपके पाए अखदस कपा के शरफ, आपके पाए अखदस कपा के शरफ, ये जमीन आसमां से बड़ी हो गई, वाह 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 सुभान अल्लाह, आपके पाए खुदस कपा के शरफ, ये जमीन आसमां से बड़ी हो गई। और एक नाथ के चर्चे इरशाद। सच है बगैर साया सरापा नबी का है, वाह, सच है बगैर साया सरापा नबी का है, सरापा नबी का है, सच है बगैर साया सरापा नबी का है, लेकिन हमारे सर पे तो साया नबी का है, वाह, लेकिन हमारे सर पे तो साया नबी का है, अब क्या बताए कोई के क्या क्या नबी का है, वाह, क्या क्या नबी का है, अब क्या बताए कोई के क्या क्या नबी का है, अल्लाह की सल्तनत पे इजारा नबी का है, अल्लाह की सल्तनत पे इजारा नबी का है, ऐसा न हो के लेने के देने पड़े शकील, देने पड़े शकील, ऐसा न हो के लेने के देने पड़े शकील, छेड़े उसे न कोई दीवाना नबी का है, छेड़े उसे न कोई दीवाना नबी का है। शुक्रिया। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक शायर बाकी हैं। मैं उनको बुलाने से पहले उर्दू तहजीब टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हम ये मुशायरा 52 ममालिक में देख पा रहे हैं और पूरी दुनिया इस मुशायरे को और इन शोरा को देख रही है, सुन रही है। मैं आपका, तहजीब टीवी का, इसके अलावा
तमाम मीडिया की पूरी बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद हम चलते हैं खैराबाद, उत्तर प्रदेश के उस मुमताज़ शायर के हुजूर, जिसकी शायरी में मोहब्बत, सिपुर्दगी और इश्क की सारी कैफियतें मौजूद हैं। आशिक़े कदम रसूल, परवाने पीराने पीर, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के आपके जाने पहचाने शायर, नामवर शायर जनाब जमीला जमील खैराबादी से मैं मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, ये दारुस्सलाम का मुशायरा मुझे 35 बरस हो गए इस मुशायरे में शिरकत करते हुए। मैं बताना ये बात इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम ने मुझे आगरा के एक मुशायरे में सुना था और वहीं पे कहा कि जमील मियाँ तुम्हें दारुस्सलाम के मुशायरे में आना है जी। तो जब से मेरी शिरकत होती रही है, ज़रूरी मैं समझता हूँ दोस्तों, ये मेरा अखलाकी फ़र्ज बनता है कि शुअरा की तरफ से, आपकी तरफ से मैं ये ऐलान करूँ। दारुस्सलाम का ये मुशायरा, हिंदुस्तान में बहुत से मुशायरे होते हैं, मुख्तलिफ सूबों में मुशायरे होते हैं और ये आपका जमील तकरीबन उन तमाम मुशायरों में जा चुका है, मगर बड़े फख्र के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि दारुस्सलाम का मुशायरा हिंदुस्तान के वो जो तमाम नातिया मुशायरे होते हैं उन सबसे बड़ा जो है ये आपका मुशायरा है। बेशक बेशक जी। मैं कानपुर से, मेरा रिश्ता है, सदर साहब वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं, कई मर्तबा मुलाकात हुई। मैं घर से ये ख्याल बना के चला था कि उर्दू के नाम पर और सरकार की महफिल के नाम पर जो शख्स इतना बड़ा काम हैदराबाद में कर रहा है, हमारा अखलाकी फ़र्ज बनता है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बतें हैं, तो एक मैं मोहब्बत लेकर आया हूँ अपनी जानिब से और इन तमाम शुअरा की जानिब से, आप सब की जानिब से असदुद्दीन साहब को एक मैं तोहफा पेश करना चाहता हूँ। बहुत ही अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ आप यहाँ तशरीफ ले आए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। ये यूपी वालों की तरफ से मैं आपको तोहफा पेश कर रहा हूँ। आइए मैं कुछ शेर पढ़ दूं। एक मतला तकरीबन 15 बरस पहले मैंने पढ़ा था, उसके बाद मेरे तमाम दोस्तों ने उस मफहूम को पढ़ा, आज मैं फिर उस मफहूम को पढ़ रहा हूं, उस शेर को पढ़ रहा हूं। सलाहुद्दीन नय्यर साहब हमारे मोहतरम हैं। भेजो दुरूद खिदमत खैरुल अनाम में, वाह, भेजो दुरूद खिदमत खैरुल अनाम में, भेजो दुरूद खिदमत खैरुल अनाम में, महफिल सजी है नात के दारुस्सलाम में, वाह 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 वाह, सजी है नात के दारुस्सलाम में। सरदार सलीम साहब, अता हो साहब, माशाल्लाह, मेरी आपसे पहली मुलाकात है। दूसरी है? दूसरी है, भागलपुर में मिले थे। आप बहुत अच्छे नाजिम हैं और मैं ये अगर कह दूं तो गलत नहीं होगा, आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं, मैं सलाम करता हूं। शुक्रिया। आइए सुने कुछ शेर और।
भाई थोड़ा सा आप लोग अपनी मोहब्बतों से नवाज दें तो मेरा भी काम हो जाए। और मुझे खुशी हासिल हो रही है कि आप अपने जमील को सुनने के लिए अब तक अपना कीमती टाइम दे रहे हैं इस नातिया मुशायरे को। मजहर हक नूर पै कर आ गया, यहां से लेके और वहां तक लोग अपनी मोहब्बतों से नवाज दें। मजहर हक नूर पै कर आ गया, मजहर हक नूर पै कर आ गया, मजहर हक नूर पै कर आ गया, रहमतों वाला पयंबर आ गया। वाह वाह वाह, रहमतों वाला पयंबर आ गया। सुभान अल्लाह, समाप्त फरमाए। सुभान अल्लाह, आप सबके हवाले से आका के हुजूर शेर। सलीम भाई जी, भाई आता हूँ। मांगी थी उनके वसीले से दुआ, क्या बात है। मांगी थी उनके वसीले से दुआ, औज पर अपना मुकद्दर आ गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, ना मुकद्दर आ गया, औज पर अपना मुकद्दर आ गया, औज पर अपना मुकद्दर आ गया। क्या बात। दोस्तों, इस शेर पे आपसे मुझे दाद मिलना चाहिए जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, और शोरा से भी। नहीं भाई, कुफर घबराया बहुत जब सामने, कुफर घबराया बहुत जब सामने, कुफर घबराया बहुत जब सामने, 313 कलश कर आ गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। कलश कर आ गया। आली मर्तबत अहमद कादरी साहब, पाशा कादरी साहब, मसूद भाई और इस तंजीम के जितने लोग हैं, जाफर हुसैन मेरा साहब, सारे लोग मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। अब एक आपके हवाले से एक शेर और, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। मेरा काम हो गया, जिस मकसद के लिए मैं हाजिर आया था। मैंने भी सरकार की महफिल में नात के शेर पढ़ दिए। 45 बरस हो गए हमें छोटे बड़े मुशायरे पढ़ते हुए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। सुने हजरत एक शेर इरशाद भाई, ये शेर, ये शौरा जरूर सुने मेरा। है ख्याले मुस्तफा दिल में मकी, ख्याले मुस्तफा दिल में मकी, है ख्याले मुस्तफा दिल में मकी, मेरे कूजे में समंदर आ गया। क्या मेरे वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। मेरे कूजे में समंदर आ गया। मेरे कूजे में, एक मर्तबा और दोस्तों ये शेर। है ख्याले मुस्तफा दिल में मकी, है ख्याले मुस्तफा दिल में मकी, मेरे कूजे में समंदर आ गया, मेरे कूजे में
समंदर आ गया मेरे कूजे में, समंदर आ गया दूर सबकी सब, दूर सबकी सब बलाएं हो गई। मोहतरम सुनिएगा, दूर सबकी सब बलाएं हो गई, नाम अहमद जब लबों पर आ गया, नाम अहमद जब लबों पर आ गया, नाम अहमद जब लबों पर आ गया। बस आखिरी शेर अता हो, अता ये नौजवान हमारे इधर साथी हमारे खड़े हुए हैं, सरकार की नात को नात की तरह सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुने ये शेर। सुभान अल्लाह भाई, भाई बतौर खास ये शेर इरशाद इस पाक महफिल में दारुस्सलाम के मुशायरे में जमील खैराबादी पेश कर रहा है, समाद करें हजरत। बस ठहर जा कारवाने जिंदगी, हाय हाय, बस ठहर जा कारवाने जिंदगी, बस ठहर जा कारवाने जिंदगी, सरवरे कौनैन का घर आ गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, का घर आ गया। क्या गुफ्तगू का अंदाज है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरवरे कौनैन का घर आ गया, बस ठहर जा कारवाने जिंदगी, सरवरे कौनैन का घर आ गया, सरवरे कौनैन का घर आ गया। एक मतलब दो शेर और इरशाद, आप सुनना चाहते हैं दोस्तों? सुनाइए, ऐसा हाथ उठा के सबूत पेश करें कि आप जमील को सुनना चाहते हैं। मैं पेश कर देता हूं दो शेर। आता हो, आता हो। नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, शिरकत फरमाए जी। नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, गुंबद खजरा का मंजर हो गया, गुंबद खजरा का मंजर हो गया। दो शेर और सुन लें, और ये वो दो शेर हैं जो पूरी दुनिया में जमील खैराबादी के सुने जाते हैं। पहला एक शेर, उसके बाद दूसरा। फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, नाम ही से घर मुअत्तर हो गया, नाम है है है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम ही से घर मुअत्तर हो गया। आखिरी शेर आप सबके हवाले से आका के हुजूर जमील खैराबादी ये शेर पेश कर रहा है, समाज फरमाए हुजूर देखिएगा। अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, सुभान अल्लाह, इस मुशायरे का आखिरी शेर। अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, जिस
जिसको होना था पयंबर हो गया, वाह जिसको वाह था पयंबर हो गया, जिसको होना था पयंबर हो गया, जिसको होना था पयंबर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दो मिनट और बैठ जाएं। ये हमारे हरदिल अजीज प्रोफेसर मसूद अहमद साहब की लिखी हुई किताब है, मंजूम अस्माए हुस्ना। ये अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना की मंजूम किताब है। इन्होंने इसको अशार की सूरत में मंजूम किया है और नकीब मिल्लत के दस्ते मुबारक से इस किताब की रस्म इजरा होगी, उसके बाद फिर सलाम पेश किया जाएगा। मैं नकीब मिल्लत से मैं अदबन इल्तिमास करता हूँ। सलाम बहुजूर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका صلوات الله عليك فخر فخر آدم فخر حواء فخر نوح فخر يحيى فخر إبراهيم وموسى فخر إسماعيل وعيسى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عاشق مائل کی سن لو یا نبی محفل کی سن لو سامعی کے دل کی سن لو اکبر بسمل کی سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الله عليك ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میں تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ساتھ محکمہ برقی بلدی آبرسانی، محکمہ پولیس، ان تمام کا اور مجلسی والنٹیئرز کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کلین نادیہ مشاعرے کی برخاستی کا اعلان کرتا ہوں۔